जल्दी आ जाए यार, फिर टाइम नहीं है, सोना भी है, 12 बज गए। आ गया ये मामा आ गए। वो मैं कह नहीं रहा था, उसको ब्लॉक करा गया, सोनिया ने उसको ब्लॉक करा। हाँ सोनिया को ब्लॉक किया होगा। कौन था लाइव में, मुझे सो ही नहीं हो रहा था। अच्छा वो सोनिया को, सोनिया ने ब्लॉक किया होगा। एक मिनट मामा, किसी को आपसे बात करनी है। अब तुझे क्या प्रॉब्लम हुई ये तो बता। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम दोनों ने प्यार से इतनी बातें कर ली, सब खत्म हो गया। हाँ सब देखो मामा, ये सांगू बहन से आपको कुछ बात करनी थी। ठीक है सांगू बहन, आप बात कर सकती हो अब। हाँ माता माँ, हाँ माता माँ, आप माता माँ मत बोलो ठीक है। आपके मुंह से पहले तो ये ना अच्छा लग ही नहीं रहा है, और मैं गाली नहीं दूंगी। अगर दिमाग मेरा खिसक गया ना तो सब कुछ कर लूंगी, वो आपको भी पता है ठीक है। अब तो हुआ क्या ये बता, मैं बोल रही हूँ ना उसका जवाब दे दो आप। पब्लिक को कुछ भी पता ही नहीं है, तो मैं पहले से थोड़ा सा पब्लिक को ये बता देती हूँ कि ये डीके का जो भाई है ना, बड़ा नसीब, उसको मैं 8-9 साल से जानती हूँ ठीक है। आपका नाम क्या है? पुनीत जी, अगर गलत हूँ ना तो आप बोलना। मैं 9 साल से जानती हूँ उनको, और ये कीर्ति पटेल ने जब कॉन्ट्रावर्सी की थी तो अभी तब मैं उसकी फैमिली नहीं थी, तब वो उसका भाई बन के बैठा था, उन दोनों की पहचान भी मैंने करवाई थी ठीक है। तब अभी तो ये बोल रहा है ना कि गुजरात का डॉन है, गुंडा है, ये है वो है, तब बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कहाँ जाता था बड़वा। और नसीब को मैं 8-9 साल से जानती हूँ ठीक है। और ये पनोड़ी भाई ने कल डीके ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 1.5 साल से मैं आपको भांजा बोल रहा हूँ, फैमिली रिलेशन है, मेरी बेटी आपकी बेटी हुई, आप फैमिली पे मत जाओ। तो 9 साल से जो फैमिली रिलेशन है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप नंगा करते फिरोगे। तो आपका नाम मैंने कहाँ लिया, किसी को आज तक मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि संगू का नाम पे कभी लाइव में लिया मैंने। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, नहीं मैंने तो कभी नाम भी नहीं लिया, किसी को भी पूछ ले, किसी के सामने नाम भी नहीं लिया मैंने। और मैंने कहा नाम लिया, तू जो मेरी बात कर रही है तो मैंने तेरा नाम कहाँ लिया ये बता। एक मिनट मामा, उनको बोलने हैं तो पूरी बात, उसके बाद मामा तू सच बता पनोड़ी, तू सच बता आज तक तूने मेरे मुंह से नाम कब सुना मामा। उनके साथ कुछ हुआ है, उनके साथ कुछ हुआ है, आप बोलो संगू। अरे किसी और ने किया होगा, मैंने तो कभी नाम भी नहीं लिया है, मेरा नाम क्यों ले रहे मामा। आपकी फैमिली के साइड से कुछ हुआ है, आपकी फैमिली के साइड से कुछ हुआ है संगू बहन, आप बोलो। परसों भाई है ना नसीब ने मुझे शाम को फोन किया, और फिर क्या बोल रहा है, धमकी दे रहा था कि कोई भी होगा ये HIV वाला बाहर किया है, ये किया है, तो मैं उसको अहमदाबाद में नहीं रहने दूंगा। उस टाइम है ना, आपको भाई पता है कि मेरे हस्बैंड अस्पताल में, तो मेरा दिमाग ये नहीं चला कि ये साला मुझे बोल रहा था, बहन बोल के मुझे गाली दे रहा था। फिर दूसरे दिन सुबह में, कल सुबह में 8 बजे उसने मुझे कॉल किया और ये बोला कि देख कीर्ति ये वो, सबका नाम लेके मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नसीब ने सबका नाम लेके ये बोला कि डीके ने बोला है, सबने बोला है कि ये सब मैंने बोला है, तो फिर आपके नीम्स बनेंगे, आप तुम देखती रह जाओ। और फिर मेरे और भाई के नीम्स बनाने चालू कर दिए। क्यों भाई, अभी तेरी बेटी के ऊपर आ गया तो तुझे किसी ने कुछ बनाया है? मैं भी चल जो भी है, एक सेकंड रुक जा। चल अगर मेरे भाई ने तुझे भी कुछ बोला है, क्योंकि फैमिली पे बात थी, गुस्से में बोला होगा, मैं तेरी भी माफी मांग रहा हूँ। अरे आज के बाद तुम में से किसी का नाम हमारे वहाँ से कोई नहीं लेगा। अरे एक बात सुन लो, एक बात सुन ले। पर जो भी है मैं लाइव में माफी मांग रहा हूँ ना, 6,000 लोगों के सामने तेरी माफी मांग रहा हूँ, मेरा भाई तुझे भी फोन नहीं करेगा। मेरी बात सुन ले, मेरी माँ ने आज तक एक बेटा पैदा किया था ना, दूसरे बेटे ने ना। अरे भाई जो भी किया हो, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मेरे भाई ने अगर, क्योंकि उसकी बीवी और घर पे बात आई थी, कुछ बोला होगा, मैं माफी तेरी मैं मांग रहा हूँ, मेरी इज्जत रख ले, इतने टाइम से हमारा रिश्ता है, मेरी इज्जत रख ले। तेरी इज्जत इज्जत है और किसी और की इज्जत उछालने नहीं। हाँ तो पर मैं ये इज्जत तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हारी इज्जत तो लाइव में कुछ नहीं बोला, अगर तुम्हें फोन पे बोला या कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी माफी मांग रहा हूँ, मेरा भाई तुम्हें कभी फोन नहीं करेगा, कहीं नाम नहीं लेगा, बात खत्म करो। अरे खुद सामने मुझे
बोला कि सब लोग बोल रहे हैं निम्स बनाने, भाई मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। कहा आपका नाम, मैंने तो कहीं लिया ही नहीं है, पूछ ले पनोड़ी को। पनोड़ी, अरे सांगुबेन रुक जाओ, उसका उसका वो जो बंदे ने मीम्स बनाए थे ना, वो गुजरात का लौंडा, उसका एड्रेस बैड्रेस सब कुछ मैंने निकलवा लिया है, आप दो दिन रुक जाओ सिर्फ। बाकी पनोड़ी को भी पता, आज तक मेरे पास ऐसे बंदे नहीं, पनोड़ी तेरा एक भी मीम्स मैंने बनाया है, सच बताना, मेरे पास कुछ है ऐसा नहीं बनाया, सच बताना, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ लिखा या कुछ भी बनाया, मेरे पास है ऐसे कुछ मैं करता हूँ, नहीं बनाया तू, कुछ पता ही नहीं होता। अगर मुझे ऐसा कुछ होता ना शंकु, तो तेरा नंबर है मेरे पास, या मैसेज में करके तुम्हें बताता। सब लोग, आप सब लोग फोन पे भड़वाई करते रहते हो पूरे दिन। अरे भाई जो भी है मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी है मेरे भाई को भी बोल दूंगा, और जो भी है बात खत्म कर। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे इस मैटर में इंस्टा के चक्कर में नहीं पड़ना, तेरी माफी मांग रहा हूँ, खत्म कर। मैं भी मांग रहा हूँ ना, चल इसकी मांगी तेरी भी 6,500 लोगों के सामने। पर तो आप बोल रहे हो कि फोन आया, तो मैं इसलिए मेरे भाई की तरफ से भी माफी मांग रहा हूँ। मैं पनोड़ी की बहन हूँ और पूरे इंस्टाग्राम में बोल रही हूँ कि मैं उसकी। अरे भाई तुम पनोड़ी की बहन आजकल से हो, उससे पहले से हमारा रिश्ता है दोस्ती यारी में, दोस्ती यारी में। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं माफी मांग रहा हूँ 6,500 लोगों के सामने, मेरी इज्जत रखेगी कि नहीं रखेगी ये बता। इज्जत जिसकी हो ना उसकी रखी जाती है, मेरी नहीं रखेगी। आपके नीचे, अरे आपके नीचे जब रेला आता है ना तब आप आ जाते हो इज्जत और आबरू को लेके, जब हमारी उड़ा रहे हो तब आप कहाँ बोल रहे थे कि ये सब झूठ है। मैंने कब नाम लिया, मैंने कब आपकी इज्जत उड़ाई, मैंने तो कभी कहीं नाम भी नहीं लिया। कोई बोल तो दे मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखा कि मैंने कुछ नाम भी लिया तेरा। आप लाइव में क्या बोल रहे थे कि आप बोल, पूछ ले, पूछ ले पनोड़ी को या पुनीत को भी पूछ ले, इसका नाम भी लिया मैंने भाई, शंकु का नाम भी कहीं लिया था। पूछ ले ना, दोनों बैठे हैं भाई, दोनों को पूछ ले, मैंने शंकु का नाम भी लिया था पनोड़ी पुनीत, सच बताना, मैंने कहीं इसका नाम भी आया था। अभी कितने लोग देख रहे हैं ना, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगी कि पनोड़ी जिस भी जिसके भी बहन बेटी बच्चों को गाली देता है ना, कब देता है, जब ये लोग साले हमें नंगा करते है, हमारी बहनों को नंगा करते है, तब जाके भाई सपोर्ट करते है। और अपनी खुद की बहन के ऊपर आया तो नीचे रेला आ गया तो सब माफ कर दो, खानदानी है, मामा है, भांजे है, वाह भाई वाह। और ये एक बार की बात नहीं है, नहीं क्या बहुत बार की बात है, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी है, इससे पहले भी तूने यही किया था। जिन लोगों को मैंने उसको मिलवाया उनके साथ बैठ के ये बोल रहा है कि ऐसी तो आती जाती रहेगी, तू आप लोग कॉन्ट्रोवर्सी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल नहीं रही हूँ लेकिन फाड़ के रख दूंगी, अकेली काफी हूँ पूरे गुजरात के लिए। हाँ भाई तू जो भी है, मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है। क्यों खत्म करना? तब भी किसी को भी पूछ ले, मैंने तेरा नाम भी कहीं लिया हो तो सच बताना पनोड़ी, तुझे जो प्यारा उसकी कसम खा के बोलना कि डीके ने कभी नाम भी लिया है। तो पर मैंने तो कहीं नहीं बोला है, मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया है। पर मैंने कब बनाया, मैंने कब बनाया, मैंने कब बनाया ये तो बताओ, मैंने पनोड़ी का भी नहीं बनाया आज तक। अरे आप लोगों की बहन बेटी बाहर लड़ाई करने नहीं आएगी, लेकिन पनोड़ी ने जिसे बहन बोला है ना फाड़ के रख देगी। अरे आपका मीम्स बनाने के लिए किसने बोला था ये बात की आपका मीम्स बनाया? मामा के भाई ने, मामा का भाई है जिनका नाम नसीब है पुनीत भाई, वो मामा के भाई ने सांगू बहन को फोन करके ये बोला कि पनोड़ी तेरा भाई है तो अब हम तुझे टारगेट बनाएंगे, तेरे मीम्स बनाएंगे हम लोग। वहाँ से वडोदरा नाम की जो सिटी है गुजरात में, वहाँ पे दो लौंडों ने मीम्स बनाए। नहीं भाई, मैं जितना इंस्टा यूज करता हूँ उतना तो उसे आता भी नहीं, मीम्स तो बहुत दूर की बात है भाई। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना पनोड़ी, चल मेरे भाई के तरफ से भी यार इतने लोगों के सामने माफी मांग रहा हूँ कि आज के बाद तेरा नाम भी नहीं लेके, तू कौन हम कौन, आज से सब कुछ खत्म करो भाई, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए भाई। अब उससे आगे क्या चाहिए, कोई मेम तो बने नहीं है पुनीत, कोई मेम तो बने नहीं है। अरे सब कुछ बना हुआ है, जिसने मुझे कॉल किया था ना वो यहाँ आए। हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बनाया, जिसने बनाया वो मुझे भेज दे, मैं पर्सनली मिलूंगा। बाकी हम दोनों भाई में से पूछ लेना किसी को, आज तक पनोड़ी और मेरे बनी थी ना, फिर भी मैंने पनोड़ी